दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आतंकियों की भर्ती करने और रिक्रूट करने वाले सलीम और उसके एक पड़ोसी को भी धर दबोचा है। इससे पहले एनआईए ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों नासिर और इमरान मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनका रिक्रूटर सलीम भी एनआईए के हत्थे चढ़ गया है। ये सभी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के लिए काम करते थे। नासिर और इमरान दोनों भाई हैं जो हैदराबाद में कपड़े के कारोबार की आड़ में आतंकी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। लश्कर ए तोयबा के लिए आतंकियों की भर्ती करने वाले सलीम समेत दोनों आतंकी यूपी के शामली कैराना के रहने वाले बताए जाते हैं। सलीम के साथ उसके पड़ोसी काफिल को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। आपको बता दें कि कपड़े की गठरी में सिकंदराबाद से भेजे गए पार्सल बम पर सलीम के पड़ोसी काफिल का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि सलीम ने ही इमरान और नासिर को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रिक्रूट किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए सलीम ने नासिर और इमरान को 1.5 लाख रुपए भी दिए थे और सलीम के कहने पर ही बम प्लांट किया गया। सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है और भारत में वो आतंकियों की भर्ती कर रहा था। एनआईए को शक है कि सलीम ने कैराना के कई और लोगों को भी लश्कर में भर्ती किया है। सलीम से फिलहाल यूपी एटीएस, बिहार एटीएस और एनआईए की टीमें पूछताछ कर रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।